गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2 and 3 ऑफ लेसन 11, डू यू स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। एंड एक्सरसाइज 2, मेक सेंटेंसेस विथ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। वाक्य आप अपने शब्दों में भी बना सकते हैं, जो इजी लगे आपको। अवेकेंड मीन्स होता है जागना, और इसके लिए सेंटेंस है दे अवेकेंड इन द मिडनाइट। नेक्स्ट है स्टोरेज मीन्स भंडारण। ही हैज़ ए बिग स्टोरेज, सॉरी स्पेलिंग सुधार लेंगे, जी के बाद ई होगा, स्टोरेज ऑफ राइस। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। मिस्टर जॉनसन आस्क्ड पार्कर अबाउट हिज क्वालिफिकेशन। नेवर लेस स्लीप इन पीस, फिर भी या तो भी वह शांति से सोता है। ही वॉज इन ट्रबल, नेवर लेस स्लेप्ट इन पीस, वह परेशानी में था फिर भी शांति से सो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, चेंज द फॉलोइंग इंटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन, प्रश्न वाक्य में बदलना है। फर्स्ट है आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, मैं सो सकता हूँ जब हवा बहती है। इसके लिए क्वेश्चन होगा कैन आई स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, क्या मैं सो सकता हूँ जब हवा बहती है। नेक्स्ट है मिस्टर जॉनसन वॉज लुकिंग फॉर ए न्यू फार्म हैंड, मिस्टर जॉनसन नए फार्म हैंड ढूंढ रहा था। वॉज मिस्टर जॉनसन वॉज लुकिंग फॉर ए न्यू फार्म हैंड, क्या मिस्टर जॉनसन एक नया फार्म हैंड ढूंढ रहा था। नेक्स्ट सी द बार्न वॉज प्रॉपरली लॉक्ड, क्वेश्चन होगा वॉज द बार्न प्रॉपरली लॉक्ड। नेक्स्ट डी द यंग मैन वॉज स्लीपिंग साउंडली, वॉज द यंग मैन, आंसर होगा वॉज द यंग मैन स्लीपिंग साउंडली, क्या वह युवा व्यक्ति अच्छे तरह से सो रहा था। नेक्स्ट ई द ट्रैक्टर हैड बीन मूव्ड इनटू द गैरेज, ट्रैक्टर को गैरेज में ले गया गया था। आंसर हैड द ट्रैक्टर बीन मूव्ड इनटू द गैरेज क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका था एक्सरसाइज 2 and 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 है करेक्ट द स्पेलिंग इफ नेसेसरी। नीचे एक्सरसाइज 5 में यदि स्पेलिंग गलत हो तो उसको सुधारना है। गैरेज, ट्रैक्टर, फार्म हाउस, अवेकेंड, पजल्ड, तो आप इनको खुद से बना सकते हैं। थैंक यू।